या व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा कि हमने अपने विलेज में रेड करवाई थी और कैसे हमने रेड को विक्ट्री कर ली थी। तो गाइस एक भाई ने कमेंट किया था कि आपके पास जब डायमंड आर्मर आया था उसको पहन लो। तो गाइस मैंने फाइनली डायमंड आर्मर पूरा पहन लिया है, सारे टूल्स, और देख सकते हो गाइस इनमें एन्चेंटमेंट अच्छी अच्छी मिल चुकी है मेरे को। मेरे जो विलेजर है ये बहुत बढ़िया बढ़िया एन्चेंटमेंट दे रहे थे। और गाइस अभी मैं और बुक्स दिखा देता हूँ, मतलब जो शार्पनेस 5 मैंने जो बनाई है उसको मेरे जो विलेजर है शार्पनेस 3 दे रहे। तो मैंने कहा शार्पनेस 3 दो, मतलब दो की जो बुक्स है वो एक साथ जोड़ के उसको कर दिया शार्पनेस 4। तो गाइस फिर से दो शार्पनेस 3 की बुक जोड़ के उसके शार्पनेस 4 कर दिया, और फिर शार्पनेस 4 करके मैंने शार्पनेस 5 कर दिया। तो गाइस जैसे ही मैंने एफिशिएंसी 5 किया है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो गाइस अभी मैं कार्टोग्राफर के पास आया हूँ क्योंकि गाइस मेरे को चाहिए आज एक, मतलब कोई सा भी मैप देगा जो उन सभी ये देगा मेरे को मैप। देखते हैं कौन सा मैप देगा, ये किस चीज़ का है। चलो गाइस ये तो हो गया, अभी देखते हैं ये कौन सा ओशियन एक्सप्लोरर मैप। उसके लिए गाइस वाटर ब्रीथिंग पोशन, क्योंकि आपको तो पता ही होगा माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में डोर से जो सांस लेते हैं जैसे जावा एडिशन की तरह है, डोर से सांस लेना वो नहीं होता। तो उसके लिए गाइस मेरे को वाटर ब्रीथिंग पोशन बनाने पड़ेंगे। तो वो गाइस अभी मैंने कुछ ब्रिंग स्टैंड के लिए मस्त से एक जगह बनाऊँगा, वो मैं आने वाले एपिसोड्स में, मतलब इससे आगे। तो अब देखते हैं गाइस अभी कंपास लाते वो कंपास कैसे बनेगा यार ये। तो गाइस जिस टाइम मैं ये खेल रहा था मेरे को ये कंपास जो है नाम मैं भूल गया था, अभी ढूंढ रहा हूँ। तो मैं उसे रुको रुको, तो गाइस फाइनली ये मिल चुका है, क्या है कंपास। ओके गाइस तो इसके लिए चाहिए मेरे को 4 आयरन और 1 रेडस्टोन। तो गाइस जल्दी से चलते हैं घर पर और बनाते हैं। तो गाइस मैंने सारा सामान ले लिया है, अभी जल्दी से बना लेता हूँ मैं इसको। तो गाइस मैं बनाने वाला हूँ, बस दो बहुत है गाइस, क्योंकि जो उसके नीचे वाला जो मैप है वो भी बनाने वाला हूँ मैं, मतलब वो लेने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ सॉरी, क्योंकि बना तो मैं सकता नहीं मैप, वो तो कार्टोग्राफर ही देगा। तो गाइस रात हो चुकी है, जल्दी से सो जाते हैं और सुबह उठ के काम करते हैं आगे का। तो गाइस जल्दी से चलते हैं अभी विलेजर के पास और ले देते हैं उससे ओशियन एक्सप्लोरर मैप। उसको तो गाइस ओशियन को तो हम बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे, जो दूसरा मैप है उसको देखते हैं वो कौन से वाला है, क्योंकि ओशियन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जल्दी से चलते अपने, अरे गाइस मैं यहाँ पे गलत आ गया, रुको मेरे को तो जाना था कार्टोग्राफर के पास, सॉरी मेरे को लगा मैंने अपना कार्टोग्राफर यहीं पर। तो गाइस ये जो कार्टोग्राफर है ये मेरे को विलेज में नहीं मिला था, ये मैंने खुद, मतलब इसको कार्टोग्राफर की जॉब दी थी। तो अभी जल्दी से रुको, तो गाइस यहाँ पे रुको, इसके घर में चल के देखता हूँ, यहाँ पे भी नहीं है गाइस, ये कहाँ गया। अरे कार्टोग्राफर कहाँ है भाई तू। तो जल्दी से पहले अपनी क्राफ्टिंग टेबल भी तोड़ लेते हैं, साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रुको इधर उधर ढूंढते हैं और फिर देखते हैं गाइस। कोई इधर भी नहीं, ओ वो रहा गाइस, पता नहीं कहाँ घूमने जा रहा था ये। चलो गाइस जल्दी से चलते हैं ऊपर और इससे करते हैं ट्रेड। अरे यार ये जब घर में आए तो घर में ही रुक जाता। तो गाइस अभी जल्दी से इससे ले देते हैं इस ओशियन एक्सप्लोरर मैप। तो गाइस यार ये नीचे वाला मैप लेना पड़ेगा इसके लिए ग्लास। तो गाइस मेरे पास घर पे रखे गिलास पेन बहुत सारे, तो गाइस जल्दी से लेकर आता हूँ मैं घर से और फिर मिलता हूँ आपसे। तो ऑलराइट गाइस मैं घर पर आ चुका हूँ, मेरे इस चेस्ट में ये रहे गिलास पेन, जल्दी से ले लेते हैं। रुको मेरे एक चेस्ट में थोड़े बहुत और होंगे। तो गाइस ये रुको पिकेक्स का, वो गलती से मैंने पिकेक्स का नीचे घेर दी, रख देते हैं वरना ये डिस्पोन हो जाएगी और मेरे 3 डायमंड बर्बाद चले जाएंगे एकदम। तो गाइस अभी यहाँ से ले लेते हैं, तो गाइस जल्दी से चलते हैं विलेजर के पास और उससे ट्रेड करते हैं और उससे ले लेते हैं दूसरा मैप, देखते हैं वो कौन सा मैप होने वाला है। आई होप कि वुडलैंड मैंसन का मैप होना चाहिए तो अच्छा रहेगा।
तो अभी चलते हैं, जल्दी से देखते हैं घर पे मिल जाइयो। ओ ये रहा, काम कर रहा है अपनी टेबल के साथ। तो जल्दी से इससे ट्रीट करते हैं, इसको लेवल अप करते हैं। मैं सारे गिलास पी। तो गाइस ये लेवल 4 हो चुका है, और क्या दे रहा है ये। तो गाइस फाइनली मैंने जो इससे मैप है वो ले लिया है, और ये तो वो आइटम फ्रेम और बैनर दे रहा है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं जाने वाला हूँ वुडलैंड मैंसन, जो कि गाइस जैसा मैंने सोचा था। अभी उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, सामान वामान लेना पड़ेगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं, अपनी इन्वेंटरी में जो बेकार सामान है वो भी खाली करेंगे। और यहाँ पे मैं 2 कार्टोग्राफर टेबल लगा देता हूँ सबसे पहले गाइस। रुको ये गिलास, मैं इसका नाम पढ़ रहा था गाइस इसलिए। तो अभी गाइस 2 कार्टोग्राफर टेबल बना लिए है हमने, और अभी जल्दी से एक यहाँ पे रखी, एक यहाँ पे। तो गाइज अभी फ़िलहाल मैं जाने वाला हूँ अपने घर पर, वहाँ से लाऊंगा गाइज मैं ब्रेड, और ब्रेड से करवाऊंगा गाइज इन विलेजर की ब्रीडिंग। क्योंकि गाइज यहाँ पे एक भी विलेजर ना बेबी विलेजर है, ना कोई ऐसा विलेजर जिसके पास जॉब ना हो। तो उसके लिए गाइज मेरे को ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी, जिससे ये बेबी विलेजर हो जाएंगे। और गाइज बेबी विलेजर जब बड़े हो जाएंगे तो वे कार्टोग्राफर की जॉब ले लेंगे, जिससे हमें मैप मिल जाएंगे, ट्रेजर मैप और बहुत सारे मैप, मेरे को याद नहीं। सिप्रैक का भी शायद मैप होता हो, पता नहीं गाइस। वो तो जल्दी से ले लेते, रुको ब्रेड इसमें नहीं है, मैंने गाइस एक चेस्ट में रखी तो थी। रुको ले लेता हूँ मैं वूल भी, क्योंकि वहाँ पे बेड भी चाहिए बना। ये गाइस मेरा पहला जो मैं पहन रहा था वो ये रही गाइस ब्रेड। तो गाइस ये ब्रेड उठाते हैं यहाँ से, और जल्दी से मतलब थोड़ी और ले लेता हूँ बस। अब जल्दी से चलते हैं गाइस अपने टाउन हॉल पर, और फिर विलेजर की ब्रीडिंग करवाते हैं। तो गाइस देख सकते हो मैंने वो वीडियो जो एमेथिसार्ड्स, यही कहते हैं ना शायद वो पर्पल वाले ब्लॉग, वो वीडियो वो माइन करने गया। मैंने पूरा जो मतलब एक पूरा सर्कल मिलता है ना, वो पूरे में ये लगे रहते हैं, मैंने पूरा सर्कल तोड़ दिया वो। तो जल्दी से अभी मैं इनकी ब्रीडिंग करवाने वाला हूँ। उनको बेड बना लेता हूँ पहले, क्योंकि गाइज इनको रहने मतलब जो बेबी विलेजर होंगे वे सोएंगे कहाँ। तो कहाँ पर लगाऊँ, कहाँ को, रुको रुको। चलो गाइज यहाँ पर लगा देते हैं एक बेड, और इस साइड भी सेम इधर पे लगाने वाला। तो गाइज अभी फ़िलहाल जल्दी से इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, इन्हें ब्रेड दे देते हैं, और फिर देखते हैं ये करते हैं या फिर नहीं। तो अभी जल्दी से फेंक देते हैं इनके। ऑल राइट गाइस, तो देख सकते हो मैंने सारी ब्रेड दे दी, और ये ब्रीडिंग भी करने लगे। देख सकते हो एक वोरा बेबी विलेजर और एक वोरा गाइस, तो ये हो जाएंगे। चलो गाइस अभी जल्दी से तैयारी करते हैं चलने की, निकलने की यहाँ से। और गाइस मेरे को कोई भी अता पता नहीं है कि ये कितने हज़ार किलोमीटर दूर हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है ये आसपास तो बहुत मुश्किल चांस है कि ये आस बहुत जल्दी मिल जाए, मतलब बहुत कम ब्लॉक दूर। तो अभी पता नहीं गाइस कितना टाइम लगेगा। मैं एक पेड़ बना लेता हूँ अपने लिए, रास्ते में रात होएगी तो मैं सो जाऊँगा। और मेरे को कोई आइडिया नहीं है ये कितने हज़ार किलोमीटर, हज़ार लाख किलोमीटर दूर हुआ, कोई आइडिया नहीं है। पर मैं इसको कवर करूँगा। अब मेरे को रियल लाइफ में कितने घंटे लगेंगे वो भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो भाई जल्दी से चलते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से, और मिलता हूँ मैं आपको। तो अभी ले लिया मैंने हाथ में मैप, और ये तो भाई मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा ही दूर है। तो अभी जल्दी से यहाँ पे पानी में चलते हैं, इधर ली तरफ ही जाने वाला हूँ मैं। बोट रखते हैं गाइस यहाँ पर, और निकलते हैं जल्दी से। अरे रुको 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 रुको, चलो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस यार रात भी होने वाली है, तो
तो यार देख सकते हो ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। सो मेरे को तो लगता है ये ज़्यादा ही ज़्यादा ब्लॉक दूर है गाइस, पता नहीं पूरा आज का पूरा दिन लग सकता है मेरे को जाने जाने में। तो गाइस देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, ये जो आपको दिख रहा होगा राइट साइड में नीचे कॉर्नर पर वो वाइट वाइट मतलब वो वाइट सा जो मार्क है देख सकते हो वो रहा, वो गाइस हमें। और गाइस देख सकते हो ये बिल्कुल भी नहीं। तो ऑल राइट गाइस, मेरे को मतलब बहुत देर तक चलने के बाद जब जाके मैं 2000 लगभग 2000 ही होने वाले हैं, 1500 हाँ 1600 किलोमीटर 1600 ब्लॉक्स मैं चल चुका हूँ। और देख सकते हो गाइस अब तक मेरे को ये मतलब ये हिला ही नहीं अब तक। तो गाइस मेरे को लग रहा है ये 5-6 हज़ार ब्लॉक से भी ज़्यादा ही दूर होएगा। तो गाइस जल्दी से चलते हैं और मैं मिलता हूँ अब आपको सीधा वहाँ पर। गाइस मेरे को कोई आईडिया नहीं है कि मेरे को कितने टाइम लग सकता है वहाँ पर जाने के बाद। तो गाइस मिलते हैं वहाँ पर जाने के बाद। तो ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ वुडलैंड मैंसन। तो गाइस मेरे को यहाँ पे 2 दिन लगे रियल लाइफ वाले। तो गाइस अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वुडलैंड मैंसन के अंदर क्या हुआ है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।